हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। आज पर्यावरण दिवस है और इस उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिन हम धरती को सुंदर संवारने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण करते हैं। और जैसा कि हमारी बात हुई उन्होंने कहा था कि मैम हम पौधे गिफ्ट करेंगे स्कूल को, तो मैं आज उनसे एक संदेश देना चाहती हूँ। क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है और लॉकडाउन की वजह से हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं अपनी स्कूल के सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक पौधा आज वो ज़रूर लगाएं, चाहे वो आपके घर पे हो, बाहर पड़ोस में हो, रोड के साइड्स पे हो, या आपके आसपास कोई मंदिर हो, तो आप स्पेशली नीम का पौधा लगाएँ, गिलोय लगाएँ, या केले का पौधा लगाएँ, या जो भी पौधा आपको अवेलेबल है उसे आप ज़रूर लगाएं और इस तरह से संजो कर और उसे सुरक्षित रखें कि कल ये आपका सबसे घनिष्ठ मित्र होने वाला है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, कोविड ने हमें सिखाया कि अब सांसें लेने के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। वो सांसें जो खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमको मुफ्त दी, और सिर्फ इतनी सुंदर श्यामल धरती दी उसने कि मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसे सुरक्षित रख सके और उसे संजो के रखे ताकि उसे जीवन भर शुद्ध ताज़ी हवा मिले। लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं, और हम प्रगतिशील देश के लोग और लोगों ने हमारी धरती को कचरे का ढेर बना दिया, जो बड़े ही शर्मनाक और अफसोसजनक बात है। बट आज हम फिर अपनी गलती सुधार सकते हैं, और एक वृक्ष या एक से अनेक अगर आप पॉसिबल हैं तो आप ज़रूर लगाएं, उसे सुरक्षित रखें। और साथ ही साथ न केवल पौधे इम्पॉर्टेंट है, बल्कि पशु और पक्षी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। गर्मी का समय है और आप चाहें तो पेड़ पौधों में आप परिंदे लगा सकते हैं, आप चाहे तो ख़रीद के लगा सकते हैं, नहीं तो अपने रॉ मटेरियल जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो बॉटल्स हो, चाहे वो साबुन का टब हो, या कोई भी जिसमें आप खाना पैक करके लाते हैं, जिस टाइप के प्लास्टिक टिफिन्स होते हैं, आप उन्हें हैंग कर उसमें थोड़ा दाना और एक में पानी डालकर आप पेड़ों पर लगाइए। और हमने भी ये प्रयास किया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे किया है। और मैं चाहती हूँ कि आज आप ये सभी लोग पर्यावरण दिवस पर इस असाइनमेंट को ज़रूर करें और अपनी धरती के प्रति अपने लगाव, समर्पण और प्यार को दिखाएं, तो मुझे अच्छा लगेगा। हमने आपको हमेशा कहा है कि जितना सौम्य पर्यावरण हमारे स्कूल का है, उतनी ही सुंदर धरती आपकी हमेशा बनी रहे। इस सब के लिए हम सबको प्रयास करना है। आपका एक वृक्ष धरती की सुरक्षा कर सकता है, किसान को बारिश पहुँचा सकता है, और कोविड के रोगियों को ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। तो आओ हम मिलकर वृक्ष लगाएं, पशु पक्षियों को बचाएं, इस भीषण गर्मी में परिंदे लगाएं, उनके लिए दाना मुहैया कराएं, और साथ ही साथ योग को भी बढ़ाएं। अगर आप सुबह प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट आज हमारी शिक्षा को खा चुका है, तो आगे भविष्य में ये समस्याएं नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आज हम पर्यावरण दिवस पर ये शपथ लें कि आगे से हमारी वजह से इस पृथ्वी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आपके अभिभावकों के साथ मिलकर एक वृक्ष ज़रूर लगाएं, विद्यालय के नाम का लगाएं, यदि आपका बर्थडे है तो अपने नाम का लगाएं, ठीक है, और धरती को सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।